यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वो यहां से सशरीर भले ही चले गए या जाना पड़ा, लेकिन अपने मन का, अपनी आत्मा का एक अंश इसी मिट्टी पर छोड़ करके गए थे। और इसलिए आज जब आप भारत के किसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आपको इस धरती पर देखकर आत्मा का वही अंश प्रफुल्लित होने लगता है। उस वक्त गला कुछ रुंधा हुआ महसूस होता है, कुछ भावनाएं आंखों से निकलना चाहती है, आप उन्हें रोकने के लिए भरसक प्रयास करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते हैं। आपकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उनमें भारत आने की एक चमक भी महसूस होती है। आपकी उस भावना को मैं भली भांति समझ सकता हूं। वो स्नेह, वो दुलार, वो सम्मान, वो यहां की मिट्टी, यहां की हवा की खुशबू, जिस अंश की वजह से आपके भीतर मौजूद है, मैं उस भाव जगत को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, सैकड़ों वर्षों के कालखंड में भारत से जो भी लोग बाहर गए, भारत उनके मन से कभी भी बाहर नहीं निकला। विश्व के जिस भूभाग में वो गए, उन्होंने भारत की सभ्यता और मूल्यों को जीवित रखा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भारतीय मूल के प्रवासी जहां भी गए वहां पूरी तरह इंटीग्रेट होकर उस जगह को अपना बना लिया, अपना घर बना लिया। उन्होंने जहां एक तरफ खुद में भारतीयता को जीवित रखा तो दूसरी तरफ वहां की भाषा, वहां के खान पान, वहां की वेशभूषा में भी पूरी तरह वो घुल मिल गए। स्पोर्ट्स, आर्ट्स, सिनेमा, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां भारतीय मूल के लोगों ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी छाप छोड़ी है। राजनीति की बात करूं तो मैं देख ही रहा हूं कि कैसे भारतीय मूल के एक मिनी वर्ल्ड पार्लियामेंट आज मेरे सामने उपस्थित है। आज भारतीय मूल के लोग मॉरिशस, पुर्तगाल, आयरलैंड में प्रधानमंत्री हैं। भारतीय मूल के लोग और भी बहुत से देशों में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट रह चुके हैं। हमारे लिए विशेष सम्मान की बात है कि गयाना के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान भरत जगदेव जी आज यहां हमारे बीच हमारे साथ मौजूद है। आप सभी विशिष्ट लोग भी अपने अपने देशों में प्रमुख राजनीतिक भूमिका अदा कर रहे हैं। साथियों, आपके पूर्वजों की मातृभूमि भारत को, भारतवासियों को, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को, विश्व भर में फैले हुए हिंदुस्तानियों को आपके प्रति गर्व का भाव है, आदर का भाव है। भाइयों और बहनों, विश्व के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं,
जिनका मुकाबला करने के लिए गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक है। अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए कोई भी विवाद सुलझाया जा सकता है। एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने वाली कोई विचारधारा है तो वो है गांधी जी की विचारधारा, भारतीय मूल्यों की विचारधारा। फ्रेंड्स, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए, न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए हम आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस सम्मेलन में हम आपके अनुभव से लाभान्वित होना चाहते हैं, न्यू इंडिया के विकास के बारे में आपको बताना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप जहां भी हो, जिस भी देश में रहें, आपके विकास की यात्रा में भी हम साझेदार बनना चाहते हैं। साथियों, 21वीं सदी को एशियन सेंचुरी कहा जा रहा है, इसमें निश्चित रूप से भारत की अहम भूमिका है। इस भूमिका का प्रभाव, भारत के बढ़ते कद का प्रभाव आप जहां भी रहेंगे आप अवश्य महसूस करेंगे। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत की बढ़ती हुई ताकत देखकर आज आपका माथा ऊपर उठेगा तो हम और ज्यादा परिश्रम करने के लिए प्रेरित होंगे। भाइयों और बहनों, आप लोग लंबे समय से अलग अलग देशों में रह रहे हैं। आपने अनुभव किया होगा कि पिछले 3-4 वर्षों में भारत के प्रति पूरे विश्व का नजरिया बदल गया है। आज पूरे विश्व का भारत पर फोकस बढ़ रहा है। विश्व का हमारे प्रति जो नजरिया बदल रहा है तो उसका मुख्य कारण यही है कि भारत स्वयं बदल रहा है, भारत ट्रांसफॉर्म हो रहा है।